रोबो सेंडर, ये मार्केटिंग जो सॉफ्टवेयर है इस पे जो हमें काम करना है, किस टाइप से करना है वो आप देखोगे, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो आज मैं बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो गलतियाँ हो सकती हैं, मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा, करने की वैसे कोशिश करूँगा। शायद कोई टॉपिक छूट सकता है, लेकिन लास्ट लास्ट तक मैं सारी चीज़ें बताऊँगा एक तरफ से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मैसेज भेजेंगे, कैसे फ़िल्टर करेंगे, ग्रुप ग्रैबर करेंगे, मैसेज रिसीव कैसे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं इसमें अपना ही नंबर कनेक्ट करूँगा जिससे थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लग सके, और नंबर कनेक्ट करने के बाद मैं उसमें दिखाने की कोशिश थोड़ा कम करूँगा। शायद मैं दिखा भी सकता हूँ अगर मुझे कुछ लगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। शायद वैसे मैं एक नंबर है जो मैं कनेक्ट करूँगा उसको मैं करके दिखा दूँगा, लेकिन वो उसमें ग्रुप नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ग्रुप पे भी फोकस करना है। तो शायद मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ हैंड टू हैंड, और फिर हम देखेंगे सारी वर्किंग। तो पहले मैं कर रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन। तो ग्रुप ज्वाइन करने से इससे अच्छा है मैं इतने लॉगिन कर लूँ, बेटर रहेगा। तो ओपन व्हाट्सएप पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी एक न्यू विंडो ओपन होके आती है। न्यू विंडो ओपन होती है, इसमें जो वेब व्हाट्सएप है वो ओपन रहता है। तो हमें फ़िलहाल जो पहले होता था वो क्या था, क्यूआर कोड से सिर्फ हम लॉगिन कर पाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो लिंक विद नंबर भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये करेंगे तो आप खुद देख पाओगे, इसमें नंबर लिखना होगा और फिर फाइनल जो कोड जाएगा वो आपके वेब व्हाट्सएप में ही जाएगा वहाँ पे। तो फिलहाल हम क्यूआर कोड से करेंगे क्योंकि ये इजी मेथड है, स्कैन करना है, सीधा सीधा व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में सेटिंग दिखेगी आईफोन में, और ये थ्री डॉट्स जिसको मेन्यू बोला है उसमें जा कर के लिंक्ड डिवाइसेस में जा कर के कनेक्ट करना होता है। वेब व्हाट्सएप हम जैसे कनेक्ट करते हैं सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए करते हैं कनेक्ट, एक ही वीडियो में होना है, कोशिश यही रहेगी हमारी, एक ही वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। वैसे कोई बात नहीं, इसमें मैं देख लेता हूँ कोई ऐसा नंबर ना हो। एक काम करूँ, सारे नंबर मैं इन नंबर्स को, वैसे जो नंबर हैं सारे उनको मैं कर रहा हूँ आर्काइव, थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर सेटिंग में जाते हैं, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाते हैं, और वहाँ पे चैट्स ऑप्शन दिखता है, और वहाँ पे एक चैट हिस्ट्री ओपन ऑप्शन होता है, उसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक्सपोर्ट चैट, आर्काइव ऑल द चैट्स। आर्काइव मैं बोलता हूँ, शायद कुछ लोग आर्चीव बोलते हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर ऑल द चैट्स ऑप्शन होता है, एक डिलीट ऑल द चैट्स होता है। तो फिलहाल मैं आर्काइव ऑल द चैट्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्कैन करूँगा तो मेरे जो नंबर हैं वो ज़्यादा ना दिखें। तो चलिए, मैंने मेन्यू पे क्लिक किया, लिंक्ड डिवाइस पे क्लिक किया, और लिंक का डिवाइस जो बटन है उसको सेलेक्ट करके मेरा फ़ोन का कैमरा हो गया ओपन, और मैं कर रहा हूँ स्कैन। अभी देखो आपको यहाँ पे वर्किंग दिखाई देगी, कनेक्ट होने लगा। तो सिंपल है, अब हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो गया। क्या कि हमें अपना व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करना है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। हम इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो रेडी ऑप्शन आ गया। रेडी मतलब हमारा व्हाट्सएप फुल्ली रेडी हो चुका है मैसेज भेजने के लिए, नंबर फिल्ट्रेशन के लिए, ग्रुप ग्रैबर के लिए, और बहुत सारे चीज़ें हैं, रिप्लाई के लिए भी हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी खास बात। अगर मैं बात बोलूँ कि अगर किसी भी कस्टमर को या किसी भी क्लाइंट को या कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी बिजनेस, एजुकेशन का भी है, हर टाइप का बिजनेस है, तो जो बिजनेस है उसको मान लो उसके पास नंबर है, मतलब वो अपने व्हाट्सएप में चैट करता है, तो चैट कर रहा है लोगों से, चैट कर रहा है, अब उसके पास नंबर तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं कर रहा। अब होता क्या है, आधे सेव कर लेते हैं आधे नहीं करते। अब वो सारे नंबर हम एक क्लिक में कैसे उठा सकते हैं, तो मैं फर्स्ट स्टेप उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है, यहाँ पे मज़ा किस टाइप से आने वाला है, ये जो तीन लाइन है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सारे नंबर उठा करके फेंक देगा इधर। अब देखो जो मेरे नंबर सेव हैं वो तो दिख ही गए, और बाकी जो भी हैं वो भी दिख गए। तो इन नंबर को मैं शायद हाइड कर दूँ, लेकिन करूँगा नहीं क्योंकि ये वीडियो अगर किसी अपने के पास होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ ये नंबर आपको हाइड दिख सकते हैं। तो जो ये नंबर हैं ये मेरे व्हाट्सएप में हैं जिनसे मैं कभी चैट किया हूँ, या उनका मेरे पास मैसेज आया, या मैं उनसे मैसेज पे बात किया हूँ। और हाँ, जो मेरे व्हाट्सएप पे सेव हैं वो ऊपर ही आ जाएंगे नाम के साथ,
थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो ऊपर जो नाम आया इनमें एन ए इसलिए है इसमें, क्योंकि नाम नहीं है। अब ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि हम एक क्लिक में जितने भी व्हाट्सएप में नंबर हैं वो उठा सकते हैं। उठा सकते हैं, उठाने का मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इनको सेव करके रख सकते हैं। पहली इसकी एप्लीकेशन के पहला इसका यूज़ जो सबसे अच्छा है वो है ये, हम इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ माई कॉन्टेक्ट्स, ठीक है ना। अब जो भी जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, माई कॉन्टेक्ट लिख देते हैं। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ तो एक टेक्स्ट फाइल हमारे पास सेव हो जाती है माई कॉन्टेक्ट्स। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये नंबर आप देख सकते हो, ठीक है ना। वो मल्टीपल हैं, उनको नंबर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये मेरे कस्टमर सारे हैं, इसमें फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं मानता हूँ, 10% हो सकते हैं, 20% शायद किसी की सारी ही फैमिली हो, तो क्या हुआ जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सभी को भेजो तो हाँ। लेकिन कंडीशन क्या है, इस वाले सॉफ्टवेयर में आप एक दिन में 200 से 400 मैसेज ही बेचो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो नंबर तो हमने निकाल लिए, तो हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं क्लियर लिस्ट, और जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमें 10 चाहिए तो 10 ले लेते हैं, कट किया नंबर और इसको मैं कट कर दूँगा, डोंट सेव कर दूँगा। सेव करना चाहोगे तो आप आगे से उन नंबर्स पे भेज सकते हो, फिर वापस से एक्सपोर्ट कर लो। तो मैंने फ़िलहाल कट किया, मैं तीन लाइन पे क्लिक करूँगा इंपोर्ट फाइल, सॉरी इंपोर्ट फाइल नहीं मैनुअल इंपोर्ट फाइल का भी मैं बताऊँगा। अच्छा यूज़ है, काफ़ी मज़ेदार यूज़ है, डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल से। अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आप देखो नीचे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी होती है, कंप्यूटर में जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक, क्योंकि जो नंबर हमें देने पड़ते हैं ना जो मैनुअल इंपोर्ट में हमें देने होते हैं वो क्या है, पहले नाम दो नंबर दो या खाली नंबर नंबर डाल दो। लेकिन इसमें क्या है, इस फाइल में जो बनाया है ये नाम के साथ बनाया है, बीच में एक टैब है, मतलब एक थोड़ा गैप है, थोड़ा सा स्पेस है, टैब एक फिक्स स्पेस होता है तो वो दिया हुआ है फिक्स स्पेस सभी नंबर के बाद। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल एच करूँगा, नई बातें सीखने के लिए मिल रही है तो सीख लो। कंट्रोल एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है नोटपैड में, वैसे सभी में होता है अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको सेलेक्ट करके रिप्लेस विद कोमा, रिप्लेस विद कोमा। तो मैं इसको रिप्लेस ऑल करूँगा तो क्या होगा, सभी में हो गया। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, अब मैं मुझे कोमा ही लगाना था, कंट्रोल एस दबाऊँगा, एस फोर संदीप, एस फोर सोनियाल, जो भी है बहुत सारे नाम है, तो मैं ये बोलूँगा। तो यहाँ पे एस मैंने सेव कर दी फाइल, अब इसके ऊपर से स्टार हट चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब उठा के देखता हूँ नंबर, नंबर मेरा यहाँ तक है और भी है, अगर आप चाहो तो लाइन देख सकते हो, लाइन 4 में हूँ, कॉलम 34 है। तो अगर मैं ऐसे नीचे जाऊँ तो मुझे 200 नंबर उठाने हैं, मैं उठा के दिखा देता हूँ लेकिन सब पे नहीं भेजूँगा। ये लो मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमें अगर देखा जाए 50-60 पे ही भेजने चाहिए, तो चलो थोड़ा कम कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम पे अगर आप कर रहे हो, नंबर 90 दिन पुराना होना चाहिए। इस वीडियो में आपको सारी ज्ञान वैसे मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं जैसे मान लो 100 नंबर हमने उठाए, कट करूँगा, हो गया कट, हम यहाँ पेस्ट करेंगे और देखो नाम के साथ नंबर, नाम के साथ नंबर, इस नंबर का कमाल होने वाला है नाम के साथ, क्योंकि हम नाम के साथ भी मैसेज भेज सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तो देखो नंबर आ गए हमारे 100 नंबर आ गए, लेकिन फिर वही बात हुई मैं इन पर भेजूँगा नहीं। तो फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए फिर क्लियर ऑप्शन यही है, क्लियर करूँगा और फिर टेस्टिंग के लिए दो नंबर अपने ही डालूँगा, दो नंबर मैनुअल इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम लिख देते हैं अपना, कोमा लगाएंगे। और हाँ कंडीशन ये है 12 डिजिट नंबर होना चाहिए, मान लो आपके पास नंबर नहीं है 10 डिजिट नंबर है ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, एक मैंने ये वाला कनेक्ट किया है, एक सेकंड मैंने कनेक्ट कौन सा किया नंबर, ठीक है मैंने ये वाला किया तो मैं दूसरा लिखता हूँ। वैसे अपना ही नंबर डालोगे तो अपने पास ही मैसेज आ जाता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 8171 8161 89 भी है। अब देखो या तो सभी नंबर में 91 होना चाहिए या किसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे हमें 91 की ज़रूरत है, लेकिन मैं 10 डिजिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 91 लगाने वाला अपने आप एक फंक्शन है। तो एक और लिख लेते हैं नंबर, सोनिया लिख लेते हैं और 8218 3947 39
काफ़ी, दो नंबर काफ़ी है वैसे, नाम भी आ गया नंबर भी आ गया, सारे कमाल इसी से हो जाएंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो नंबर में 91 नहीं है, तो 91 लगाने के लिए एक क्लिक में, ध्यान से देखो, अगर मैं नंबर में 91 नहीं है तो ही लगाना है, किसी में है किसी में नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में 10 डिजिट होना चाहिए और या 12 डिजिट होना चाहिए, बनाना उसको फाइनली 12 ही है हमें, तो इसलिए 10 डिजिट चलेगा, लेकिन 10 डिजिट को भी हम 12 डिजिट कैसे करेंगे, ये तीन लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कंट्री कोड, और यहाँ पे 91 लिखेंगे कि हमारा कंट्री कोड क्या है, हम किस कंट्री में भेज रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया है तो 91 लगाएंगे, क्लिक करेंगे ओके, और ओके पे क्लिक करते ही हमारे 91 तैयार। पहला पहला नहीं, दूसरा तीसरा होगा जो भी होगा, तो क्या बोलते हैं इसमें, जो भी है थर्ड फोर्थ जो भी रूल है, तो इसमें एक और फंक्शन क्या हो गया, और एक एप्लीकेशन क्या होगी, आप अगर एक क्लिक में नंबर के आगे 91 लगाना चाहते हैं या कोई कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इजीली लगा सकते हैं, बाकी वैसे और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल नंबर हो गए हमारे, मैसेज लिखते हैं, क्या लिखूँ मैसेज, चलो हेलो लिख देते हैं, हेलो कुछ साथ में अच्छा भी हो जाए तो क्या लिखें, चलो एक काम करते हैं वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है ये हर बार नाम बदल रहा है, यहाँ पे प्रीत है, यहाँ पे सोनियाल है, शायद किसी का कुछ भी हो, है ना, तो जो भी हो हेलो के बाद मुझे कोई नाम चाहिए हर बार, तो फर्स्ट नेम अगर मैं लिखता इसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो हो सकता था, फर्स्ट नेम क्या है, फुल नेम लूँगा, तो अगर मान लो सोनियाल सेल्स है, दो है बीच में एक छोटा सा गैप है, तो पूरा नाम उठाएगा, अदरवाइज शुरू का जो वर्ड है, शुरू का वर्ड इन द सेंस, अगर ये प्रीत सिंह होता और प्रीत सिंह के बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस को नहीं उठा करके फर्स्ट नेम में सिर्फ प्रीत प्रीत उठाएगा, लेकिन ये खुला खुद में ही फर्स्ट ही है, लेकिन मैं फिर भी फुल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप फर्स्ट भी लिख सकते हो और फुल भी लिख सकते हो, अच्छा फुल ही होता है क्योंकि पूरा नाम आएगा तो ही अच्छा लगेगा अगले बंदे को भी, तो थोड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं। तो एक मैसेज भेज के देखेंगे, ये वाला खाली मैसेज भेज रहा हूँ फिलहाल, इसमें इमेज कुछ नहीं है, और हाँ कुछ उसको अच्छा बना दो, चमकाऊंगा दो, क्योंकि जब तक चमकाओगे नहीं दम नहीं आएगा, जैसे हेलो है उसके नाम के साथ बोल्ड कर दो, खुश हो जाएगा बंदा, दूसरा इटैलिक कर दो, स्ट्राइक थ्रू मत करना, स्ट्राइक थ्रू ऑफर के लिए करते हैं, क्योंकि अभी हम आपको दे रहे हैं ये प्राइस 1000 रुपीज़ में, ये कुछ भी चीज़ है कोई भी आइटम है ये 1000 रुपीज़ में दे रहे हैं, जिसका प्राइस ये था उसको काट करके दिखा दो कि ये 2000 999 का था, इस टाइप से कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू में ये होता है। इमोजी लगाना, इमोजी लगा सकते हो ये, लेकिन इसके लिए इमोजी के लिए वेबसाइट ओपन करेगा, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो इमोजी हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ मैसेज बताऊँगा। तो एक ऑप्शन है इसमें शेड्यूल, हैंड टू हैंड बता रहा हूँ, शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फ़िलहाल जो हमारा टाइम है उसी को उठाएगा, और उसी को उठाएगा सेम टाइम को, लेकिन मान लो हमें इसके पूरे 9 बजे भेजना है ना, तो हम इसको सेट कर देंगे 9 बज के, रात के 9 बज रहे हैं वैसे, है ना, तो इसको अगर हम ओके करेंगे तो एक चीज़ आप देख सकते हो, पहले तो ये पूछेगा किससे भेजना है कैसे भेजना है, तो अगर सेफ मोड में क्या होता है, सेफ मोड में ये होता है कि जिस बंदे से तुम पहले चैट किए हुए हो, जिस ग्रुप से तुम पहले बातचीत किए हुए हो, मतलब उसमें तुमने कुछ लिखा उसने कुछ लिखा तभी चैट बोला जाएगा, वन साइडेड चैट कुछ नहीं होता, ठीक है ना, तो सेफ मोड उसी पे भेजेगा जिससे आपने चैट किया, मतलब आपने 100 नंबर डाले उसमें से आपने 20 लोगों से ही बात की तो उन्हीं को वो हाय हेलो बोलेगा, अदरवाइज सबको छोड़ देगा। ब्लाइंड मोड में क्या है, आओ सभी आ जाओ सबको भेजेगा, तो इसमें ये नहीं देखेगा ये नंबर खराब है सही है, लेकिन एक बार पुश करके ज़रूर देखेगा, इसमें क्या है पहले ही चेक करेगा ये नंबर सही है इसने चैट की है तो जाओ, अदरवाइज नहीं जाओ, तो ब्लाइंड मोड थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि मार्केटिंग में यही यूज़ होता है और इन्फॉर्मेशनल में सेफ मोड यूज़ होता है, लेकिन मुझे ब्लाइंड मोड ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें सभी को मैसेज आता है, लेकिन ब्लाइंड मोड से पहले हम नंबर फिल्टर कर लें अगर, क्योंकि नंबर फिल्टर में क्या है कि जो नंबर व्हाट्सएप में है नहीं है ये भी हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें क्या करना है ब्लाइंड मोड पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। देखो अब ये शेड्यूल हो गया, अब ये अभी नहीं भेजेगा, ये इंतज़ार करेगा 40 मिनट, लेकिन मुझे क्या करना है फ़िलहाल तो भेजना नहीं है, तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा और इसको
सेंड नाउ पे क्लिक करूँगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कैंपेन स्टार्ट किया रोक दिया, क्योंकि दोबारा जब हम करना है तो हमें न्यू कैंपेन करना होता है, हम एडिट बीच में नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले जो मैसेज हैं वो मान के चल रहा होता है, दो मैसेज जा रहे हैं दो नहीं जा रहे, मतलब दो ये नंबर हैं ये जाएंगे लेकिन वो हमने भेजे नहीं, क्योंकि शायद मुझे कुछ चेंज करना पड़ा, जैसे मैंने क्लोज़ कर दिया तो अब फिर से मैं भेज रहा हूँ, और मान लो एक नंबर और ऐड कर दिया तो ये क्या करेगा, उन जितने मैसेज गए अगर कुछ नहीं गया तो दोबारा से दो दो बार भेजना स्टार्ट कर देगा। तो इससे अच्छा होता है कि अगर कुछ भी आप एडिट कर रहे हो, या तो कैंपेन को पूरा जाने दो, या अगर करो तो दोबारा से मैसेज लिखो, दोबारा से नंबर इंपोर्ट करो और भेज दो, कोई बात नहीं होता है मेरे साथ। हाँ थक गया मैं, ब्लाइंड मोड चलो करते हैं, ब्लाइंड मोड सेलेक्ट करके ओके। देखो ग्रीन का मतलब मैसेज आ रहा है, गया दोनों पे गया है ना, यहाँ पे देख लेता है, ये देखो देखो कैंपेन हैज बीन डन, देखो सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लगेगा, इटैलिक भी और बोल्ड भी, तो वो ये मैंने मैसेज एक बार टेस्ट करके दिखाया था तो वही है ना, तो फिलहाल मैं सिखा ही रहा हूँ तो अच्छी बात है, तो इसको कट कर देते हैं। और हाँ अब ये तो हो गया हमारा मैसेज, जो हमारा मैसेज, अब मान लो हमें दो मैसेज भेजने हैं, प्लस करके दूसरा मैसेज भी लिख सकते हो, जैसे इसमें क्या लिखूँ, चलो फिर से लिख देता है हाय लिख देता है ना, और इस बार भेज के देखते हैं दो बार है ना, लेकिन अभी देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। एक बार ये भी होता है कि हम कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं क्लोज नहीं करते, तो क्लोज नहीं करते क्यों नहीं करते, करो, क्योंकि करोगे नहीं तो तभी वो एक्टिव नहीं होगा, ये सोचे ये ख़राब हो गया क्लिक नहीं हो रहा, हमारा माउस ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे देखो एक छोटी सी विंडो खुली हुई है ब्लाइंड मोड वाली, इसको क्लोज करेंगे खुद एक्टिव हो जाएंगे, सेंड नाउ और ब्लाइंड मोड और ओके, और फिर से जा रहा है, देखो एक मैसेज आ ही गया एक मैसेज दूसरा जाएगा, दो मैसेज में कैसे हो गया, हो सकता है फर्स्ट मैसेज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, फर्स्ट सुनील जी दूसरा वो, इसमें कुछ बग है इस वाले पोर्शन में हो सकता, तो हम ये कह सकते हैं मैसेज टू को ना ही करो तो अच्छा है, माइनस कर दो इस पार्ट को, थोड़ा भूल जाना प्लस करना, वो इसके लिए दो नंबर पे दो मैसेज, ये ऐसा हो सकता है। हाँ अगर आपको तीन चार मैसेज बनाने हैं तो ठीक है, शायद डेवलपर ने चेंज किया हो इसमें, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अलग हो, तीन चार मैसेज लगा दो और फिर से वो शफल करके जाता रहेगा, एक बार ये फिर दूसरे पे पहला, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, दूसरे वाला दूसरे पे, तीसरे वाला फर्स्ट पे, इस टाइप से, अगर तीसरा नंबर होता तो शायद फर्स्ट वाला ही मैसेज जाता, जाता क्या होता चेक कर लेता सबसे अच्छा, ये लो एक और नंबर लगा लेता, किसका लिखें किसका लिखें, अपने लिख लें 7579788801, शायद इस पर व्हाट्सएप नहीं है, देखो नहीं होगा तो कोई नहीं बता तो देगा ही ना उसमें, तो इसमें देखो नाम मैंने एंटर नहीं किया तो नाम नहीं दिखा रहा, और इसी के साथ साथ मैंने 91 इसलिए ही लिखा क्योंकि 91 बाकी मेरे नंबर में था, तो सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं क्या हुआ है, 1 पे गया हाय है ना, नीचे वाले पे हाय, पहले वाले पे हाय, फिर दूसरे वाले पे भी हाय, तीसरे वाले पे हाय, लो जी ये भी सही है जी, कोई बात नहीं इस पोर्शन को भूल जाओ, वैसे किसी को हाय भेजना किसी को वो भेजना हम भेज सकते हैं, मतलब ये अपनी मर्जी का मालिक हो गया इसमें। फिलहाल मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, एक ही मैसेज देखो ध्यान से, एक ही मैसेज पर फोकस करो, ज़्यादा मैसेज भेज के कोई बड़ा आदमी नहीं बना, तो कहाँ थे हम, हाँ अब ये इमेज हम सॉरी ये जो टेक्स्ट है ये हमने भेजा, और इसके साथ अगर हमें इमेज भेजनी है वीडियो भेजनी है तो ऑप्शन है काफ़ी सारे, फोटोज़ है, ऑडियो इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ और डॉक्यूमेंट में अंतर यही है, हम डॉक्यूमेंट को सभी को भेज सकते हैं, फोटो भी एज अ डॉक्यूमेंट जा सकता है, वीडियो भी एज अ डॉक्यूमेंट जा सकती है विदाउट कंप्रेशन, लेकिन ये अपने कंप्रेस करके जो भी है अपने हिसाब से भेजेगा, लेकिन हाँ इनकी कंडीशन क्या है, 1 MB मैक्सिमम मेन कंडीशन, लिख लो याद कर लो 1 MB मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाना, नंबर ब्लॉक हो जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 MB फोटोज़, वैसे अगर ज़्यादा अच्छा कैमरा है तो हो जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई फ़ोटो है ना, तो उसको पहले फर्स्ट टाइम पे
जो हमारी चैट है, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे जा करके फ़ोटोज़ एक बार अपलोड कर दें, और जैसे हमारा ये फ़ोटो बन गया, हमने जैसे ये फ़ोटो भेज दिया है ना, एक बार दे जो दिखाई देता हूँ अच्छा रहेगा। मान लो हमारा फ़ोटो है 2 से 3 MB का है ना, तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोटोज़ एंड वीडियो सेलेक्ट मैंने किया है इसमें, और यहाँ पे कोई फ़ोटो ढूंढ लेता हूँ, मिल जा फ़ोटो, चलो मिल गया, मेरे काम का है नहीं वैसे, कोई बात नहीं, जो भी हो है ना। तो जैसे मान लो ये ज़्यादा MB का है, तो ये अपने आप उसकी MB घटा करके उसको जैसे भेजोगे, तो जैसे ये हुआ है ना, तो ये इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो। इस फ़ोटो पे ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पे देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर अगर क्लिक करोगे ना, तो ये फ़ोटो स्मॉल कम MB पे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे KB दिखा देगा, 179 KB है ना, कंप्रेस हो गया। तो हम व्हाट्सएप का ही यूज़ कंप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर उस फ़ोटो को जैसे डाउनलोड किया यहाँ पे लगा लो फ़ोटो सेलेक्ट करके, और शायद डाउनलोड भी गया हुआ है ना, तो ये रहा, यही है, ये लगाना पड़ेगा क्या, कोई दूसरा मिल जाए, ये बुरा नहीं है लेकिन PNG है, PNG पिक्चर्स में ले लो, हाँ पिज्ज़ा के ले लो, कोई बात नहीं, 65 का भी कोई बात नहीं, क्रीमी पिज्ज़ा, न्यूयॉर्क पिज्ज़ा, क्या बात है। देखो तो ये हमारा जो इमेज होती है, इमेज ये कुछ इस टाइप से जाएगी ना, लेकिन इसके नीचे एनक्लोज यानी कि जो कैप्शन है, ये इसको कैप्शन बोलते हैं, तो जो एनक्लोज करके जो टेक्स्ट लिखा होता है इमेज को, वो कैप्शन होता है, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, जो भी PDF हो, सब में कैप्शन अब व्हाट्सएप देने लगा, पहले नहीं देता था, पहले इमेज में और वीडियो में देता था, अब जो भी देता हो वो ध्यान छोड़ो, फिलहाल इसका मतलब कैप्शन है। तो ये कैप्शन अगर हमें इस इमेज पे, जैसे मैं इसको दोबारा भेजूं, तो फिर इसमें कैप्शन कैसे लगाऊं, तो अगर कैप्शन लगाना है, क्या लगाना है, कैप्शन, तो राइट क्लिक करेंगे, सेट कैप्शन क्लिक करो, यहाँ पे सेम है ना, सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मेथड, यहाँ पे एक पहले ऑप्शन नहीं होते थे वेरिएबल के, यहाँ पे भी हम नेम एंटर कर सकते हैं। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा था, ये जो नाम था ना हेलो, इसको फिलहाल एक सेकंड के लिए कट कर रहा हूँ, इसको मैं इसी मैसेज को कट करके, अब मैं मैसेज नहीं भेजूँगा, अब मैं इसी में एक ही मैसेज में, क्योंकि जब मैं मैसेज भेजूँगा और एक इमेज भेजूँगा तो दो मैसेज काउंट होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, एनक्लोज करके भेजूँगा टेक्स्ट को। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कैप्शन में ही जाएगा उसका, जो भी जाएगा है ना, तो चलो कैप्शन में जा रहा है, ओके। अब ये इसमें देखो, यहाँ पे कैप्शन में पढ़ भी सकते हो क्या जा रहा है, बेस्ट, इंसर्ट वेरिएबल का काफ़ी अच्छा रोल है, ब्लॉक इससे काफ़ी बचाता है, और एक टूल यहाँ पे भी है अकाउंट एंगेजर, वो भी बताऊँगा, देखते रहो, थोड़ा बोर हो जाओ तो कोई बात नहीं, हाँ फिर ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सेट कैप्शन मैंने कर ही दिया, जो भी है एक ही मैसेज जाएगा, मतलब इमेज जा रही है साथ में टेक्स्ट जा रहा है, तो कोई दो मैसेज काउंट नहीं होंगे है ना, क्योंकि अगर हमें 200 लोगों पे भेजना है तो 200 ही मैसेज हो जाएंगे, अगर अलग अलग लिख दूँ तो वो 400 मैसेज हो जाएंगे 200 लोगों पे जो जाएंगे, मतलब एक मैसेज का एक इमेज का दो मैसेज एक साथ हो रहे हैं। सेंड नाउ करते हैं, एक बार में मैं थक जाऊँगा, कोई बात नहीं, थकना ही है आज। देखो यहाँ पे क्या है, मैसेज नहीं है, अब तुम बोलो यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा, मैसेज इसलिए नहीं है क्योंकि इमेज जा रही है, लेकिन ग्रीन हो रहा है ना, तो मतलब जा रहा है, ग्रीन हो रहा है मतलब जा रहा है। देखो हेलो सोनियाल जी, हेलो प्रीत जी, हेलो कुछ नहीं जी, क्योंकि इसमें नाम ही नहीं था, ऊपर भी गया था ना, हाँ देखो ये वाला, मैं ऊपर वाले में कन्फ्यूज हो गया कि इमेज कहाँ गई, लेकिन नीचे आ गई है ना, तो ये देखो बीच में कुछ नहीं, खाली तो कुछ नहीं, इसने ऐसा नहीं किया कि NA लिख दिया, तुम्हें एक टाइम के लिए लग सकता है ये NA तो नहीं लिख दे, नहीं वो NA नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, हेलो जी ये भी अच्छा लगेगा जी, तो बस यही है, ठीक है। तो हमें इमेज के साथ मैसेज भेजना सीख लिया, अब करते हैं इसको डिलीट, यहाँ से अगर ओपन करनी है तो भी एक ऑप्शन है, सामने ही आया तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो डिलीट करते हैं इस फाइल को, कर दी मैंने डिलीट। अब देखो वीडियो के साथ भी ऐसा ही है, सभी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, बार बार जब प्रैक्टिस होगी तभी तो याद होगा, वीडियो 1 MB तक की होनी चाहिए, फिर वही बात होगी,
अब इसके लिए वीडियो के लिए क्या करना होगा, मान लो तुम्हारी कोई वीडियो है 4-5 MB की, उसको क्या करो कंप्रेस करो। कंप्रेस के लिए मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है, कोई वीडियो होनी भी तो चाहिए ना, इस नंबर पे कोई वीडियो ले ही लेता हूँ, है ना। देखो ये वीडियो कॉल के लिए इसने ऑप्शन दिया हुआ है, मैं भी सोचा कि वेब व्हाट्सएप में वीडियो कॉल शुरू हो गई क्या, नहीं तो कहाँ थे हम, वीडियो वीडियो वीडियो। मैं अपने दूसरे नंबर से एक बार इस नंबर पे एक वीडियो भेज के देखता हूँ, छोटी सी जो थोड़ी ज़्यादा एमबी की हो, है ना, 2-3 MB की, कंप्रेस करके भी दिखा देंगे। दो ऑप्शन हो जाएंगे कि कैसे कंप्रेस करना है और कैसे काम करना है। तो वही हमें वीडियो भेजनी है, मान लो हमारे पास 3 से 4 MB की है, हमारा जो टॉपिक है वो ये है, 3 से 4 MB की एक वीडियो है, वो हमें कंप्रेस करनी है और फिर उसको व्हाट्सएप में भेजना है। तो कैसे करेंगे, फिलहाल एक कॉल आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ कट, एक कट करते हैं, आई विल कॉल यू राइट बैक, थोड़ी देर में करेंगे उससे बात, और हम इसको करते हैं मैसेजेस पे। ओके ठीक है, ये हमारी वीडियो गई सेलेक्ट। हाँ मैं दूसरे फ़ोन में कर रहा हूँ इसलिए आपको शायद नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच वीडियोज़। और यहाँ पे ये कर लेता, 4 से 5 MB की तो हो ही जाएगी जी वाली, कोई बात नहीं। देखो वीडियो आ गई हमारे पास, क्या बात है, देखो HD में है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, है ना, इसको छोड़ दो, डाउनलोड ये यहाँ से करेगा, करके ही छोड़ेगा, कर लो भाई वो डाउनलोड हो रही है पीछे, इतने डाउनलोड हो रही है। इतने मैं एक चीज़ बता दूँ, क्या बताऊँ, एक एक हिस्से से चलते हैं, अच्छा रहेगा। चलो इसको इतने क्लोज़ कर देते हैं, पीछे जो चल रहा था इसको क्लोज़ कर दो, तभी ये एक्टिव होंगे बटन, याद कर लो फिर से। ठीक है, वीडियो शायद हो गई डाउनलोड, हो गई ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, हो रही है डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड हो गई, यहाँ पे भी हो गई। अब इस पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा देगा कहाँ पे ये वीडियो है ना। चलो ये देखो कितने एम बी की है, यहाँ पे 7 MB की, 1 MB की बनानी है, थोड़ी कमी होनी चाहिए, ये तो 1 मिनट की होगी, वैसे 25 सेकंड की वीडियो अच्छी रहती है। तो इसको मैं फिलहाल कट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मोजिला ओपन कर लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो इसमें थोड़ा इजी रहेगा, मोजिला क्या कोई भी ब्राउज़र हो, ब्राउज़र में हम कंप्रेस करेंगे 7 MB की वीडियो को 1 MB में। तो यहाँ पे लिख दो कन्वर्ट वीडियो, या कंप्रेस करो, कन्वर्ट क्यों करनी है, डायरेक्ट कंप्रेस करोगे तो सेम उसी में फॉर्मेट में आ जाएगी, कंप्रेस वीडियो ऑनलाइन, सबसे बढ़िया ऑप्शन, पीछे लिखो ऑनलाइन, ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे। अब देखो इस पे से मैंने जहाँ तक मुझे याद है बेस्ट वाली फर्स्ट वाली ही है, फ्री कन्वर्ट वाली ही है, क्योंकि इसमें हम जो काम करेंगे वो साइज़ के बिहाफ पे करेंगे, फाइल हम अपलोड करेंगे और ड्रॉप भी कर सकते हैं वैसे। चलो आ गई, कोई बात नहीं, डाउनलोड्स में हमारे पास वीडियो आई थी ये, है ना, अपलोड होगी। अब देखो यहाँ पे जो सेटिंग है ये एडवांस सेटिंग है, उसको नहीं छेड़ना, जो करना है ये यहाँ से ले आओ सेटिंग, ठीक है, सेटिंग यहाँ पे, कोडेक्स सेम रखो, ये परसेंटेज के बिहाफ, मतलब परसेंटेज कितना परसेंटेज कम करें उसे छोड़ो, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे टारगेट फाइल साइज, हमें कितना चाहिए, 7 MB की, हमें 1 MB चाहिए, बस MB में पूछ रहा है, तो MB में जवाब देना, 1 MB चाहिए, तो थोड़ा सा उससे कम ही करके देगा, भले ही थोड़ी क्वालिटी पूरी डाउन कर दे, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डाउन करेगा, 8 MB की वीडियो है, लेकिन कभी कभी कम भी होता है ना। वो कंप्रेस नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा घूमेगा, थोड़ा ये आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जिससे पैसे कमाएगा। अपलोड हो रही है वीडियो, 7 MB की वीडियो, इतना टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, साइड में देखते हैं। यहाँ पे हम थे, इसको कर देते हैं, इसको क्लोज करेंगे, डोंट सेव, ये वो वाले कॉन्टेक्ट हैं जिनसे मैंने कॉपी किया था, फिलहाल मैंने इनको सेव करके रख लिया, मेरे भी काम आ जाएंगे। हाँ कंप्रेस हो गई ऑलमोस्ट, और फिर मैं इसमें सेकंड ऑप्शन, सेकंड है ना, थर्ड है,
चलो ऑडियो दिखा देते हैं ना, इतना क्या दिक्कत है। ऑडियो सेलेक्ट करते हैं, ऑडियो शायद डाउनलोड्स में मिल जाएगी, एक आधी फाइल मिल जाए। कोई फाइल नहीं है, बहुत नाइंसाफी है। ये क्या है ना, OGG फाइल मांगता है, OGG कन्वर्ट करनी पड़ती है, सेम MP3 कन्वर्ट। वैसे मेरे हिसाब से अगर MP3 वाले में ना ही करो, मतलब ऑडियो फाइल ना ही भेजो तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट वीडियो भेजो, क्योंकि विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है वीडियो में। वरना करना चाहो तो वो भी बता दूंगा, बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, कोई बात नहीं, है ना। तो ये थी फाइल, इसको डायरेक्ट इधर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, डाउनलोड्स में गई होगी, सेलेक्ट करते हैं डाउनलोड्स, और ये वाली फाइल है ना, देखो 1.07। वैसे ये 1 MB से ऊपर निकल गई, फिर दिक्कत हो गई, थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना उसमें, बिल्कुल ये भी इतना कंप्रेस नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। वन पॉइंट जीरो सेवन, एक काम करते हैं, इस बार उसी को अपलोड करेंगे, कंप्रेस मोर, चूज फाइल, अब को इसी को उठा लेते हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो यही करना पड़ेगा, वो फाइल ही सेलेक्ट कर लो जिस जो कंप्रेस हुई है, या फिर ज़्यादा साइज़ बता दो। तो शायद मुझे लग रहा है सेलेक्ट नहीं हुई, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड होगी, सेटिंग पूछेंगे इससे, बताएंगे, मतलब इसको सेटिंग इस बार करते हैं इसको 90%, है ना। फिर से फ़ोन, ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोन थोड़ी देर में उठ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 89-90 कर सकते हो, मतलब वो लगभग वो नया, मतलब 900 KB की बचेगी वीडियो, है ना। अप्लाई करते हैं और इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने पे हमारी वीडियो अपलोड कर रहा है फिलहाल, 1 MB की है, वैलिडेटिंग कर रहा है, फिनिश अपलोड हो गया, कंप्रेस कर रहा है, थोड़ा लगाएगा, अच्छा 50%, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा, नंबर निकालना, अगर हाँ ग्रुप होते तो भी ऑप्शन था, लेकिन फिलहाल जो हमने सीखा वो उसकी बात करते हैं, बी फोकस्ड। तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, जो हमारे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट है सारे सामने ले आएगा, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, और उन्हीं पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखो अगर उनसे सबसे चैट किए हुए हो तो वेरी गुड, सेफ मोड यूज़ करके भेज दो, सभी पे मैसेज जाएगा जिनसे चैट किए हुए, जिससे नहीं किए उनको मैसेज जाएगा नहीं, तो ये भी अच्छा होता है। तो मैसेज भेजो पहले, इमेज नहीं भेजनी, अननोन नंबर को, है ना, तो वही ज़्यादा अच्छा होता है, टेक्स्ट भेजना खाली। देखो ये कितना हुआ, 1.02, फिर से 1 MB के ऊपर निकल गया, 5%। मैं इसको 10-11 बोला या 10 किया, क्योंकि मेरी वीडियो ही काफ़ी बड़ी है, इसकी भी गलती क्या है। चलो इसी से टेस्ट करते हैं, शायद भेज दें, वैसे थोड़ा सा बोलेगा क्योंकि फाइल साइज़ का कैपिंग तो इसी में है ना, ये वाला लेते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी स्पीड अगर फास्ट होगी इंटरनेट की तो दिक्कत नहीं आएगी। कैप्शन इसमें भी हम सेट कर सकते हैं, सेम पेस्ट कर देते हैं, हेलो फुल नेम, जी फुल नेम मतलब वही जो भी नाम आएगा, और बोल्ड वगैरह मैंने किया हुआ, बोल्ड के लिए दोनों तरफ स्टार लगाते हैं और इटैलिक के लिए अंडरस्कोर। इंसर्ट वेरिएबल और कुछ बता दूंगा थोड़ी देर में, सेंड करके देखते हैं, ब्लाइंड मोड भेजूंगा, ब्लाइंड मोड ओके, और ये स्टार्ट, ग्रीन बोल रहा है, चली गई। ये टेक्स्ट के लिए अगर बोला जाए, टेक्स्ट के लिए बोल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए अपलोड कर रहा है, लगा रहा है इसको, तब चली जाएगी, क्योंकि 1 MB के आसपास है, अपलोड करने में ही थोड़ा इशू आ सकता है, एक बार अपलोड हो जाएगी तो बार बार थोड़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। देखो दूसरी बात कितनी फास्ट हो गई, तो हमारी ये वीडियो सीन भी हो गई, किसने की है, A218 नंबर, चलो शायद व्हाट्सएप उस पे कनेक्टेड हो मेरा, इसीलिए सीन कर रहा है, वरना सीन होनी नहीं चाहिए थी वैसे इसमें, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा नंबर सर्वर से कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिक सीन करता है, उसको छोड़ते हैं। देखो सब में चली गई वीडियो, हमारी जगह ही हम वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए थोड़ी क्वालिटी डाउन हो ही जाएगी, समझ में नहीं आएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ, तो ये 1 मिनट 9 सेकंड की थी, है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, 10 से 15 सेकंड की
वीडियो हो बेस्ट रहती है, सिर्फ एक ही उसके लिए है ना। बाकी इसको करते हैं डिलीट। तो हमने आज क्या सीखा, फिलहाल आज नहीं अभी वो आगे सीखने वाले हैं, अभी तक क्या सीखा, नंबर उखाड़ना, नंबर निकालना है ना, इंपोर्ट करना, मैसेज खाली मैसेज कैसे भेजते हैं, इमेज कैसे भेजते हैं, वीडियो कैसे भेजते हैं, पीडीएफ भी भेज सकते हैं, सेम पीडीएफ के साथ है, पीडीएफ के साथ भी कर लेते हैं, पीडीएफ हमारी काफ़ी मिल जाएंगे, हमें सैम्पल मिल जाएगा है ना, सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी हम कैप्शन कर सकते हैं, इस पर भी हेलो जी हाय जी लिखें। वैसे हाँ पीडीएफ में फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है, है ना, ये डिग्रेड हुआ है ऑप्शन, तो इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, कैप्शन का ऑप्शन मैं क्लिक भी करूँगा नहीं होगा, आ जा नहीं आया, नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये डिग्रेड हुआ है, मतलब अपग्रेड ना होकर के, अपडेट ना होकर के डिग्रेड कर दिया, ये वाला हटा दिया, क्योंकि अगर नाम चेंज करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सेंड करके देखते हैं, एक सेकेंड, डिग्रेड शायद नहीं भी हो, हाँ हुआ, सेट कैप्शन नहीं होगा, पीडीएफ पे ध्यान रखना, ब्लाइंड मोड सभी पे जाएगा, पीडीएफ जा रही है क्या, जाएगी, देखो सैंपल गई, सैंपल अच्छा इस वाले पे, कोई बात नहीं गई, अगली बारी नीचे वाली की, इस पे भी गई, देखो ये ऑटोमेशन काम करता है, ऐसा नहीं है ना, ये ऑटोमेट कर रहा है बस इसी चीज़ के, इसके इसी की कोस्टिंग है, अदरवाइज तो सब ठीक है। तो तीन नंबर हमारे हो गए, अब हमने पीडीएफ डाल मतलब पीडीएफ भेजना भी सीख लिया, इसको डिलीट कर देते हैं, बचा क्या डॉक्यूमेंट, सेम उसी की तरह है, अब ये पीडीएफ क्या, इसमें कोई ये वाली फाइल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, तीनों मेरे ही नंबर हैं, देखो तीनों मेरे ही हैं पक्का, सेंड ब्लाइंड मोड, देखो जा रहा है, ये गया कॉन्टैक्ट, सबको भेज दिए, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट मतलब कि कोई भी फाइल एज अ डॉक्यूमेंट भेजी है, इसका मैंने कोई कंप्रेशन नहीं हुआ, अगर पीडीएफ में क्या है, पीडीएफ में कंप्रेशन नहीं होता, वीडियो में और उसमें क्या बोलते हैं ऑडियो में तो कन्वर्जन होता है, लेकिन फोटोज़ में और वीडियो में कंप्रेशन होता है, अगर आज के टाइम पे HD चली जाती है वीडियो, HD अगर सेलेक्ट करते हैं तो कंप्रेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो वही है ना, तो क्लियर कर देता है। अब ऐसा नहीं है हम से खाली एक भेज सकते हैं, हम तीन चार भी भेज सकते हैं, इसकी खास बात हो रही है, ऐसा कन्फ्यूज़न में आ सकता है कि हम एक ही भेज रहे हैं, नहीं हम और भी भेज सकते हैं, ये देखो एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं, हाँ मन में शंका ना बजे है ना, सबके कैप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये दिमाग में डाल लेना, यहाँ पे PDF बच गई थी क्या, हाँ बची थी, फिर से सैंपल डाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, तो हमारी चारों फाइल आ चुकी है, हाँ जी इनको एक क्लिक में डिलीट करना है, क्लियर अटैचमेंट लिस्ट, यस करेंगे सब खाली, जहाँ तक है सेंडिंग का इशू तो क्लियर हो गया वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन सेंडिंग पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं अभी, जैसे कि अब आएगा असली मज़ा, सेम वही है कुछ ज़्यादा नहीं है, इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करना है, देखो रैंडम टेक है ना, यहाँ पे हर बार कुछ हर बार नया डालेगा, ये हम बीच में लगा सकते हैं, मान लो कोई हमारा मैसेज है हेलो जी बहुत सारे वर्ड जी है ना, उसी के बीच में रैंडम टैग लगा दोगे तो वो कुछ भी @ABCDEFG कुछ भी लिख सकता है, गाली नहीं देगा लेकिन कुछ भी लिख देगा है ना, तो हाँ तो यहाँ पे रैंडम टैग भी लगा सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक ऑप्शन होता है क्या, स्पिन टेक्स्ट, मेरा फेवरेट है, मुझे ज़्यादा पसंद है, बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें क्या है अलग अलग टेक्स्ट लिखना है, हेलो हाय हे ग्रीटिंग्स, सिर्फ देखना और समझना, नमस्कार ठीक है, नमस्कार लिख दिया, नमस्कार होता नमस्कार ठीक है, अब ये 16 टेक्स्ट तक लिख सकते हो, 16 टेक्स्ट लिख सकते हो, इसकी खास बात क्या होती है, इन 16 में से कुछ कोई एक ही जाएगा, फिलहाल मैंने 5 लिखे हैं तो 5 की बात करते हैं, इस 5 में से एक टाइम पे एक ही जाएगा, अब इसका दो ऑप्शन होता है, या तो मैं इसको कॉपी कर लूँ या एड टू मैसेज कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है कॉपी पेस्ट करूँगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया देखो डबल कर्ली ब्रेसेस, सारे इसने जो जो मेरे थे सारे लिख दिए, और देखो मैंने जो कॉपी किया हुआ था ये है ना, अब मैं हेलो को उड़ा रहा हूँ, क्योंकि हेलो तो इनमें से नमस्कार ग्रीटिंग हे हाय जो भी हाय आ जाएगा, अब ये इनमें से कोई भी एक आएगा अब मज़ा आएगा,
इसको कट करते हैं, हाईलाइट हो गया मेरा ऑप्शन, सेंड करेंगे और यहाँ आएगा असली मज़ा। ओके और जल्दी, हाँ देखो रैंडम टैग, रैंडम टैग कुछ भी लिखा उसने, एक ही टाइम पे एक बार भेजेगा है ना, एक जैसे सब में, एक पे गया दूसरे पे, दोनों पे एक जैसे, तो रैंडम टैग एक ही बार लगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये उधर ध्यान दे रहे हो रैंडम टैग पे, इधर भी देखो, इसमें हेलो गया, इसमें हेलो गया, इसमें हाय गया, मतलब अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ भी भेज सकता है ना। हेलो, इसमें हेलो नमस्कार जा सकता था। अब देखो तुम्हें कन्फ्यूज़न लगेगी, शायद इसने कुछ चीटिंग की हो सकता है, फिर से भेजो, क्या दिक्कत है, लाइन मोड ले लो, इस बार इसको हाय जा रहा है, देखो हाय, दूसरे वाले को नमस्कार, देखो बदल गया, दल बदलू है ये, लेकिन बैनिंग से ये बचाता है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमारा मैसेज हमें डायनामिक रखना है, बदलते हुए रखना है, क्योंकि व्हाट्सएप बैन कब करता है, जब हमारा सेम एज इट इज़ मैसेज सभी को भेजते हैं, तो वो उसको क्या समझता है, स्पैमिंग, और स्पैमिंग की वजह से वो उसको बैन कर देता है। तो यहाँ पे हम स्पिनटेक्स यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट मैं मानता हूँ स्पिनटेक्स को अपने नज़र में, रैंडम टैग एक लगा दो काफ़ी है, वो हैश लगा करके वैसे लिखेगा है ना, बाकी रैंडम जो स्पिनटेक्स है कमाल की चीज़ है, नाम याद रखना काम मिलेगा इंसर्ट वेरिएबल में। अरे हाँ तुम्हें वो भी तो बताना था ना, स्ट्राइक थ्रू, देखो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, देखो रुपीज़ में, रुपीज़ 299 फॉर एग्जांपल, और जैसे ऑफर प्राइस है ना, ऑफर प्राइस हमारा जैसे ये है, हाँ ऑफर प्राइस ये, इसको नॉर्मल प्राइस कर देते हैं, प्राइस सिंपल है वहाँ के दर है, ठीक है ऑफर प्राइस। अब देखो जो नॉर्मल प्राइस है इसको मुझे काटना है, आरी से नहीं काटूँगा वैसे ही काटूँगा, तो स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करके कर सकते हैं, इसका मतलब है ये इसको काट के दिखाएगा, आर को नहीं काटते क्योंकि ये वैसे ही है, इसको क्या करते हैं आगे लेके आते हैं और एक गैप देते हैं। ये जो मेथड्स हैं बोल्ड इटैलिक स्ट्राइक थ्रू, ये तभी यूज़ होंगे जब आपस आसपास में एक स्पेस होगा, याद कर लेना अच्छी चीज़ है, मतलब ये ऑप्शन बोल्ड इटैलिक स्ट्राइक थ्रू तभी यूज़ होते हैं जब पीछे इनके आगे की तरफ और इनके पीछे की तरफ गैप होगा, और दूसरी तभी काम करेंगे जब ये अगले नंबर से कनेक्टेड होंगे, जिनको स्ट्राइक थ्रू करना है, जिसको बोल्ड करना है वो बिल्कुल उससे कनेक्ट होना चाहिए, स्पेस भी लगा दोगे तो चलेगा नहीं है ना, बीच में अगर मान लो स्पेस लगा देना तुमने ऐसे थोड़ा दूर हो गया तो नहीं चलेगा, कनेक्टेड रहना चाहिए विदाउट स्पेस, हाँ आगे पीछे स्पेस होना चाहिए। तो चलो भेज के देख लेते, देखो हाईलाइट नहीं है, याद हो जाएगा, क्लोज करो, सेंड नाउ, लाइन मोड, ओके, देखो काट के आपको इतने में नहीं, हम इतने में देंगे, ऑफर प्राइस लिखा नहीं, भूल गया मैं भी, कोई बात नहीं, हो सकता होता है, मतलब हो सकता क्या होता है, हो गया तो कट कर दिया, ऑफर प्राइस हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1000, 1500 जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था स्ट्राइक थ्रू का यूज़ क्या था, ठीक है, स्पिनटेक्स काफ़ी कमाल की चीज़ है, इसको मैं रख के रखूँगा, मुझे काफ़ी पसंद है, कट कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है फ़िलहाल मैं कोई मैसेज भेजूँगा, लेकिन मैसेज भेजने के लिए ये ऑप्शन हाईलाइट होने चाहिए, तो ऑप्शन हाईलाइट कैसे होता है, पीछे का ये विंडो क्लोज कर दो। यहाँ पे हमारा जो मेन था वो किस्सा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक काम करता हूँ, इन नंबर को कर लेता हूँ एक्सपोर्ट टेस्ट के नाम से, थोड़ा अच्छा रहेगा, मेरा काम बच जाएगा, ये बचा लिया मैंने काम, और देखो यहाँ पे एक फाइल आ गई टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर फिल्टर, मैं इसको क्लियर करूँगा, क्या होता है, कुछ खाया पिया नहीं लेकिन फिर भी, तो पॉइंट पे आते हैं, क्या था, इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल, एक ऑप्शन इसमें था इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल, फर्स्ट टाइम पे सबसे ऊपर था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है,
तीन टाइप से इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तीन टाइप से कैसे? एक तो एक्सेल फाइल, एक CSV फाइल जो कि एक्सेल में भी ओपन होती है, नोटपैड में भी होती है। CSV का यही खास बात है, ये टेक्स्ट में भी ओपन, मतलब नोटपैड में भी ओपन होती है और एक्सेल में भी हो सकती है। और टेक्स्ट फाइल, जो टेक्स्ट फाइल जो अभी मैंने सेव की वो, तो अगर अब मैं बात करूँ फाइल अपलोड करने की, तो यहाँ पे बताता है कौन सी फाइल ढूँढूँ, कौन सी फाइल देखूँ, एक्सेल फाइल, तो एक्सेल ही ढूँढेगा, यहाँ पे कोई एक्सेल फाइल है नहीं तो उसी को फिल्टर कर रहा है। CSV फाइल एक है, अच्छा किसी बंदे की है तो उसी का, क्लाइंट की बोलूँगा, क्लाइंट का, ये देखो 20 नवंबर की फाइल है इसमें, तो जो है इसकी फाइल है, तो CSV फाइल है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्राउज हुआ नहीं, हाँ इसमें एक चीज़ है, डायरेक्ट एक्सेल फाइल थी, नहीं CSV थी ना, हाँ ठीक है। CSV में क्या होता है, ये देखो लाइन बाय लाइन कॉलम हो सकती है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है कि नेम में कॉलम कौन सी है, नंबर में कौन सी है, फिलहाल मुझे नंबर पे फोकस करना है, तो नंबर मेरी ये है कॉलम 0, है ना। अगर मैं इसको ये करता तो ये इस पर काम नहीं करेगा, ये तभी काम करेगा जब एक्सेल होगा, पहली चीज़ है ना, एक्सेल होना चाहिए, इसमें कॉलम थी ही नहीं, अगर होता तो कर भी देता वैसे। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो ये कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए वो हुआ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, काफ़ी बड़ी फाइल है ये, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, CSV वाली तो देख ली, अब दूसरे वाली ब्राउज, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल जैसे सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो नेम भी वो भी है, नेम किस में है, कॉलम 0 में, नंबर किस में, कॉलम 1 में, तो ये हमें डिफाइन करना होता है। मान लो हमें कॉलम 1 ही चाहिए, तो नंबर मतलब नेम में भी नंबर आएंगे, नंबर में भी नंबर आएंगे, देखो ध्यान से देखना, इंपोर्ट करूँगा पीछे देखो, नेम में भी नंबर, नंबर में भी नंबर, तो ये वो, तो कॉलम बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, फिर से ब्राउज, यहाँ पे फिल्ट्रेशन किस है, टेक्स्ट फाइल, अब देखो मैं अपने वाली माई कॉन्टेक्ट वाली लगाऊँ तो आ गई, लेकिन मैंने कोमा लगा दिया था, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम मैंने कोमा लगाया क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए, मैनुअल इंपोर्ट मुझे ज़्यादा ऑप्शन पसंद है, अगर मैं उसमें टैब रहने देता, जो बीच में एक स्पेस था वो रहने देता, तो ये नंबर अलग नाम अलग आ जाते, है ना। तो फिलहाल ये फाइल इसके कंपेटिबल नहीं है, है ना, जो हमने एक्सपोर्ट की थी लेटेस्ट में, एक्सपोर्ट कौन सी की है और जिसको छेड़ा नहीं है, वो कौन सी फाइल थी, टेस्ट वाली, ये वाली फाइल है ना। अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँ तो देखो नंबर दिखा रहा है, बिल्कुल दिखाएगा, और फर्स्ट में कॉलम 0 में नाम है, कॉलम 0 में नाम है, कॉलम 1 में नंबर है, यहाँ पे डिफाइन करना होता है। यहाँ पे देखो अगर मुझे वेरिएबल में भी चाहिए, टू वेरिएबल में भी कुछ चाहिए, थर्ड वेरिएबल काफ़ी काम की चीज़ है, आगे बताऊँगा मज़ा आ जाएगा। फिलहाल कैंसिल करता हूँ इसको, हाँ सेंडिंग ख़त्म, ये ख़त्म, देखो इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, माफ़ी चाहूँगा एक भी ग्रुप नहीं है इसमें, इतने सोच रहा हूँ कोई ग्रुप कनेक्ट कर ही लूँ, शायद नहीं मिलेगा, इसमें कम्युनिटी भी स्टार्ट नहीं किया मैंने, देखो ये नंबर यूज़ कम होता है। फिलहाल ग्रुप की अगर बात है, ग्रुप ज़रूर दिखाऊंगा, पहले नंबर फिल्टर दिखा देता हूँ, नंबर फिल्टर बहुत कमाल की चीज़ है। नंबर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो खुल के आएगी, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन बड़े काम के, फॉर एग्जांपल फाइल्स, इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, फाइल से इंपोर्ट करो, वही सेम स्ट्रक्चर वही, कैसे इंपोर्ट करना, फाइल से, तो मान लो मेरी फाइल टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट फाइल मैंने सेलेक्ट की, तो ये तीन नंबर है ना, एट को मैं इंपोर्ट करूँ, तीन नंबर दिखा दिए। अब मैं अगर इसमें 91 नहीं है तो इंसर्ट कंट्री कोड कर सकता हूँ, सारे ऑप्शन वही वाले हैं, बस रिपीट हो रहे हैं अलग अलग जगह पर रख के। नंबर जनरेटर फिलहाल बाद में बताऊँगा, तो मैनुअल वाला तरीका था, मान लो इसमें मैं एक नंबर और लिख दूँ 91 लगा के, 7579 7579788801, ठीक है, ये वाला नंबर भी इंपोर्ट कर देता हूँ, ये वाला भी नीचे आ गया, वैसे लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, दो बार लिख दिया, हो सकता है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं ना। तो फिलहाल अगर मैं स्टार्ट चेकिंग करता हूँ, ये बताएगा ये व्हाट्सएप पे है ये नहीं है, इसका स्टेटस ओके नहीं मिला, वैसे अगर देखोगे इस पर इसने दबा के भेज दिया, इस पर इसने पता है क्यों भेजा, क्योंकि ये नंबर मेरी चैट में पहले से था इसलिए, अदरवाइज़ ये इस पर भेजता ही नहीं, अगर न्यू चैट जनरेट करनी पड़ती ना तो
तो इस पर भेजता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये नंबर व्हाट्सएप पे फिलहाल है ही नहीं, इसीलिए इस पर डिलीवर भी नहीं हो रहा। इस पर देखो डिलीवर भी नहीं हो रहा क्योंकि ये नंबर हो चुका ख़त्म व्हाट्सएप से। 90 डेज़ में व्हाट्सएप न्यू हो जाती है अगर आप नंबर को यूज़ नहीं करते हो तो। 90 डेज से इस पर व्हाट्सएप नहीं चला इसी नंबर पर, इसी वजह से ये डेड हो गया, मतलब व्हाट्सएप से हट गया। तो फिलहाल देखो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक था ये, दो हमारे नंबर व्हाट्सएप पे हैं तो हम इसको, दो ऑप्शन है यहाँ पे, इंपोर्ट टू डायरेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे आ गया, दो बार क्लिक करेंगे, तीन बार करेंगे, बार बार आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्लियर करेंगे इसको, तो एक ही बार क्लिक करना है, ये ध्यान रखना, इंपोर्ट टू पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर हमारे आ जाएंगे। अब देखो हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट करते थे कॉन्टैक्ट को, है ना, जो हमारी लिस्ट है कुछ भी उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो तीन लाइन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट ऑप्शन था, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए, तीन ऑप्शन, एक तो है सारे जो व्हाट्सएप पे हैं उनको एक्सपोर्ट करूँ, या जो सिर्फ रेगुलर नंबर वाले हैं मतलब जो सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उनको करूँ, या जो बिज़नेस व्हाट्सएप वाले हैं, क्योंकि ये नंबर मेरा बिज़नेस है, फर्स्ट वाला तो ये बिज़नेस है तो इसलिए इसने बिज़नेस बताया, नॉर्मल वाले को रेगुलर। तो अगर आप बिज़नेस पे ही टारगेट करना चाहते हो तो बिज़नेस वाले सेव करोगे, तो इसको व्हाट्सएप बिज़नेस कर दोगे सेव करके, और इसको अगर रेगुलर करोगे तो रेगुलर व्हाट्सएप कर दोगे। ये नाम एक ही बार इसलिए दे रहा है क्योंकि नाम में कोई चेंजेस, अब वो अपने हिसाब से नाम रखना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चलो करके दिखा देता हूँ, बिज़ व्हाट्सएप वेब कर दो, क्या हो गया, नाम तो नाम है सेव। अब यहाँ पे देखो एक फाइल बन के आएगी, साइड करते हैं आगे कुछ एक ही नंबर आएगा, देखो आगे ना, नाम के साथ इसलिए आया क्योंकि नाम मैंने इंपोर्ट किया था इसीलिए नाम के साथ आया, है ना। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि सारे नंबर नाम के साथ नंबर आता है, लेकिन अगर दो तीन चार और होते ऑप्शन तो वो नहीं आएंगे, सिर्फ नाम के साथ नंबर ही एक्सपोर्ट करेगा। वापस से आते हैं इसके ऑप्शन पे, या पहली चीज़ देख ली काफ़ी अच्छी लगी, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना, क्लियर, यस। अब इसमें खास ऑप्शन क्या है, नंबर जनरेटर, ये नंबर जनरेट कर सकता है और उसको बता देगा, मान लो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से इसको मैक्सिमम 200 नंबर तक जनरेट करो मैक्सिमम, है ना, वो ज़्यादा नहीं करना, 100 करूँगा मैं। और यहाँ पे देखो मैं अपने बिजनेस वाला नंबर, देखो मैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही लिखूँगा क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा हो सकता है, मेरा बिज़नेस का नंबर, और एक एक नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब 89 है फिर उससे 90, 91, 92, 93 इस टाइप से, ओके करा, ये देखो नंबर बनते चले गए। अब ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर है तो इंसर्ट कंट्री कोड पे अगर क्लिक करेंगे तो 12 डिजिट बनाने के लिए 91 सभी के आगे ऐड करना है और ओके क्लिक कर देना, सभी पे 91 लग गया। अब स्टार्ट चेकिंग अगर मैं करूँगा तो ये तुरंत तेज करेगा, अगर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए ना तो डिले 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड दोगे तो 1 सेकंड में एक ही नंबर चेक करेगा, 0 करोगे तो पूरी तेज़ी से जितना इसमें दम है सारा दम लगा देगा, भले ही व्हाट्सएप बैन करा दे तो इसीलिए वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर 100-200 तक है तो कोई बात नहीं, 0 डिले भी चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो 101 नंबर थे शायद, ऊपर एक आधा नंबर था मेरा भी, 101 बता रहा है, इसमें से 44% मतलब 44 नंबर व्हाट्सएप पे हैं। देखा, इसमें हमें नंबर नहीं पता थे लेकिन हमें ये अच्छे नंबर मिल गए। अगर मैं इसको देखूंगा ना 90 वाले को, तो ये नंबर एक रेगुलर नंबर है, मतलब ये व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ नहीं कर रहा। और लेकिन अगर इसको देखूंगा ये 215 लास्ट में जिसके है, ये बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो यहाँ से पता चल सकता है। तो मुझे कौन सा चाहिए बिज़नेस का, तो बिज़नेस भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस फीचर से हम क्या कर सकते हैं, इस जो ऑप्शन है इससे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई बिज़नेस वाला ये चाहता है कि भाई मुझे नंबर फिल्टर करना है, बिज़नेस वालों से ही कॉन्टैक्ट करना है, बिज़नेस वालों को ही टारगेट करना है, तो बिज़नेस के नंबर जनरेट करो या लिस्ट इंपोर्ट करो और नंबर फिल्टर कर लो और बिज़नेस वालों को ही टारगेट करो, या रेगुलर नंबर वालों को ही टारगेट करो। क्योंकि किसी किसी के चीज़ें होती हैं, मुझे बिज़नेस वालों से मतलब नहीं रखना, मुझे तो नॉर्मल रेगुलर वाले व्हाट्सएप चाहिए, तो रेगुलर वाले भी चलेंगे, तो दोनों इसमें ऑप्शन मिल गए। तो ये एक अलग ऑप्शन है व्हाट्सएप नंबर फिल्ट्रेशन, इसी का पार्ट है लेकिन खुद में काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, है ना। तो ये ऑप्शन काफ़ी धमाकेदार है मेरे हिसाब से, और इसको अगर मैं चाहूँ इंपोर्ट टू पे अगर क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो नंबर इंपोर्ट करेगा जिनमें व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं,
बट हाँ इसमें ये वो नहीं बताएगा कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप, मतलब रेगुलर व्हाट्सएप वाला बिजनेस वाला, ये मिक्सअप करके ऐड करता है। अगर डेवलपर ने एक ऑप्शन ये भी दिया होता कि इस पे क्लिक करके कौन सा इंपोर्ट करना है रेगुलर या वो, लेकिन ये इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर लो और फिर इंपोर्ट कर लो। अगर ऐसा है तो पहले एक्सपोर्ट कर लो उस नंबर को बिज़नेस वालों को और फिर उस बिज़नेस वाले नंबर को इंपोर्ट कर लो। फॉर एग्जांपल दिखाई देता हूँ, बिज़ देखो, बिज़ वाले थे ना, इसी को ओवरलैप कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको क्लियर कर रहा हूँ, खाली नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ही इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल और ब्राउज पे क्लिक करूँगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे फिल्ट्रेशन टाइप चेंज करना पड़ेगा और फिल्ट्रेशन के बाद बिज़ वेब, देखो ज़्यादा नंबर थे ही नहीं, 4-5 नंबर थे, बस इनको पकड़ना है और ये हमारे बिजनेस व्हाट्सएप वाले। इंपोर्ट किया, देखो मेरा नंबर बिज़ वाला था, ये नंबर बिज़ पे है, ये अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 5 लोग हैं बिजनेस व्हाट्सएप पे। 100 पे टेस्ट किया, शायद ज़्यादा पे ज़्यादा हो, लेकिन ऑन एन आइडिया बता रहा हूँ। तो देखो सीरीज में कमाल की बात हो गई, क्लियर। देखो ये इससे पहले रिसीव से पहले एक बार थोड़ा सा ये देख लो सेटिंग। सेटिंग में कनेक्शन स्पीड अगर आपकी 10 Mbps तक है तो नॉर्मली रखो, स्लो ही रहती है वैसे, नॉर्मल रखो। और सेटिंग स्पीड जो रखनी है वो ऐसे रखनी है, एक इसको 9 की जगह 10 कर दो, बेस्ट रहेगा। मतलब 1 से 10 सेकंड रुकना है हर एक मैसेज के बीच में, कभी 2 सेकंड, कभी 4 सेकंड, कभी 6 सेकंड, कभी 8 सेकंड, कभी 9 सेकंड, कभी 4 सेकंड, कभी 3 सेकंड, कभी 6 सेकंड, इस टाइप से एक एक मैसेज करके उसी के ऐप में जाएगा। प्लस 15 मैसेज के बाद ये सो रहा है, आज के नए टाइम पे मैं बात करूँगा 10 मैसेज के बाद 1 मिनट के लिए सो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के लिए रुक जाएगा। 10 मैसेज भेजा जो गैप की उनमें पहले से था, और उसके बाद भी 1 मिनट शांति से रहेगा, धीरे धीरे जाएगा, मानता हूँ धीरे टाइम लगेगा लेकिन सेफली जाएगा, थोड़ा बच जाओगे। व्हाट्सएप पर जल्दी से बैन नहीं होगा, हो तो तब भी सकता है लेकिन अनबैन हो जाएगा। प्लस फ्रेंडली मैसेज में क्या होता है, यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट उनके नंबर जोड़ो और यहाँ पे मैसेज करो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर का नंबर है ये, एक सेकेंड, 7579788802 है ना, ये नंबर है 7888, 2 बार 3 बार है सिर्फ, ये यहाँ पे जुड़ा, एक और जोड़ दो है ना, मान लो 9175797888803 है ना, ये वाला जैसा नंबर है, ये 3-4 जो नंबर है तुमने ऐड कर दिए। और यहाँ पे ऐड करो हेलो जी, कोई भी जो आपका लगे, हाय, अलग अलग मैसेज। इससे क्या है, ये एक बार मैसेज इसको भेजेगा, एक बार दूसरा मैसेज इसको, मिक्सअप करके भेजेगा। और ये क्या है ना, ये एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, मान लो आपके 1000 बोल रहा हूँ, 200 मैसेज अगर आप भेज रहे हो तो उसके बीच में मैसेज ये भेजता रहेगा जब तक इसको आप एक्टिव नहीं करोगे। एक्टिव करने के बाद इसका मतलब समझो, आफ्टर 5 मैसेजेस, मतलब हर 5 मैसेज के बाद 15 सेकंड रुकना, काउंट करना, और ये मतलब हर 5 मैसेज के बाद ये चलेगा, 15 सेकंड काउंट करेगा और इन मैसेजेस के बीच में चलेगा ना आपस में, तो उसमें कितना टाइम चाहिए, तो ये भी मेरे हिसाब से 9-10 सेकंड कर दो, 15 तक गिनेगा, 10 सेकंड के गैप में मैसेजेस भेजेगा और अच्छा वर्क करेगा। प्लस ये मेथड सिर्फ ब्लाइंड मोड के साथ चलता है, क्योंकि ब्लाइंड मोड रिस्की मोड है लेकिन अच्छा मोड है मार्केटिंग के लिए, है ना, अदरवाइज इन्फॉर्मेशनल के लिए तो सेफ मोड भी अच्छा है। जैसे स्कूल को अपने मतलब अपने पेरेंट्स पे, मतलब स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स पे मैसेज भेजने हैं तो फ्रेंडली मैसेज की ज़रूरत नहीं है, सेफ मोड भी जाएगा ना, क्योंकि वो उनको कभी ना कभी हाय हेलो किए हुए होंगे तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सेटिंग है, ध्यान रखो, पोस्ट करके देख लो इतने, ये वाली और ये वाली, इसको ओके करते हैं और ये यहाँ पे, ये 2 सेकंड के लिए रुकना, चार्जर लगाते हैं इसमें। ये देखो अब मेरा ही वैसे तो ऑप्शन हो गया, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं अभी रिप्लाई मेथड भी तो दिखाऊंगा ना यूज़ करके, तो वो चीज़ क्लोज
अभी ऑटोमेटिक रिप्लाई भी है, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, मज़ेदार चीज़ें, थोड़ा बड़ा होने वाला है। मैं शुरू में ही बोला था थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पूरा सीखोगे तो सीख जाओगे। आते हैं फिलहाल हम कहाँ थे, रिसीव मैसेज पर। रिसीव मैसेज देखो कब काम करता है, जब अगर हम रिप्लाई मेथड यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो देखो किसने मुझे क्या मैसेज भेजा है, ये रिसीव्ड मैसेज में दिखाता है, इनमें दिखाता है। इनको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक्सपोर्ट मैसेज, इसकी भी एक फाइल टेक्स्ट फाइल बन के सेव हो जाती है। तो अगर किसी को रिपोर्ट अगर उसमें रिसीव में रखनी है तो वो रख सकता है बंदा, तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ, ग्रुप 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 ग्रुप, वो भी ऐसा ग्रुप जो जिसमें मतलब लोग हों। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ग्रुप नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बार देखूंगा। देखो कोई बात नहीं, अगर मुझे लगेगा ना तो मैं दूसरे नंबर से करके दिखा दूंगा ये ऑप्शन ग्रुप वाला, इसमें मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं। एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्यों इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, मैंने अगर देखा सभी ग्रुप में देख लिया, किसी में ग्रुप में मैं एक ग्रुप में एक दो ग्रुप में एडमिन हूँ, लेकिन इतना मेरे को नहीं लग रहा। ये तो वो हो गया ना, नो कोई बात नहीं, मैं दूसरा नंबर कनेक्ट करूँगा उसी में देख लूँगा, वो मेरे लिए इजी भी होगा और अच्छे से मैं वो भी कर पाऊँगा उसको, है ना। वैसे अगर एक सेकंड रुको, मुझे लिंक ज़रूर आए होंगे, इनवाइट लिख के देखता हूँ, मिल जाएंगे लोगों के लिंक। व्हाट्सएप, हाँ देखो ये वाला है, इसको कर लेते हैं ग्रुप को लिंक। ये वाला है शायद, टेलीग्राम, फेसबुक, देखो मैं इस फ़ोन पे भेज देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये लिंक अगर काम हो जाए तो मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। देखो कुछ मार्केटिंग नहीं है, बस यही एक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करेंगे, हो गया ज्वाइन, बस इस यही तो मुझे चाहिए था। देखो इसमें नंबर देखो, ये बाहर का है उसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो 46 मेंबर्स है। पहली चीज़, अगर मेरे पास चार पांच ग्रुप होते, अगर मैं क्लिक करूँ इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, फिलहाल इसने एक ही ग्रुप दिया क्योंकि मेरे पास एक ही है। ग्रुप में अगर मैं एडमिन होता या मैसेज भेजने के एलिजिबल होता, मतलब उसमें नीचे ये ना लिखा था कि यू कैन नॉट सेंड मैसेज टू दिस ग्रुप, है ना, नीचे अगर टाइप के लिए आता है तो ठीक है, मतलब उन पे मैं ग्रुप में मैसेज भेज सकता हूँ, नहीं आता तो मैं नहीं भेज सकता। तो इस ग्रुप में एलिजिबल होना चाहिए तो मैं इस पे मैसेज कर सकता हूँ, मतलब मैं मल्टी ग्रुप सेंडिंग भी कर सकता हूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा ग्रुप ग्रैबर, कमाल की चीज़ है, फेज ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करना है और गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहाँ देखो सभी के नंबर निकाल दिया, सबसे ऊपर तो मेरा ही है, फिर ये नीचे दूसरी कंट्री के 2+ करके जो भी है, ये देखो सभी के नंबर, इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, प्लस एक्सपोर्ट करूँगा तो फाइल बाहर सेव हो जाएगी, ऐड टू सेंडर लिस्ट करूँगा तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब ग्रुप के नंबर पे मैं 1 by 1 करके मैसेज भेज सकता हूँ। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे ग्रुप के नंबर पे 1 by 1 मैसेज करना है तो ये भी इससे कर सकते हैं, है ना, कमाल की चीज़ है। और मान लो ग्रुप एक्सपोर्ट करना है तो ग्रुप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसका फ़िलहाल मुझे ऐसा खास यूज़ नहीं लगा क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो हम यहाँ से भी कर लेते ना, ये इसकी ग्रुप आईडी है, ग्रुप आईडी हमें यहाँ से मिल जाती है इंपोर्ट फ्रॉम, तो वो ऑप्शन है सभी के। अगर नंबर एक्सपोर्ट करने हैं हाँ तो ये कर सकते हो, एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाएंगे ग्रुप नंबर्स, है ना, डेटा करके जो भी कर सकते हो तुम कर सकते हो। फिलहाल मैंने सेव नहीं किया था इसी वजह से, वो एक जो एरर आया था वो इसी वजह से आया था, तो वो इसी वजह से था।
देखो सारे नंबर आ गए। तो हमारा ग्रुप ग्रैबर का फंक्शन भी मैंने बता दिया, छोटा सा था लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है। अगर मान लो तुम्हारे पास 50 ग्रुप हैं और 50 ग्रुप में सोचो कितना डेटा होगा, उनको अगर मार्केटिंग करे बंदा, उसको बताओ जो मार्केटिंग करेगा उसको समझ में आ जाएगा कितने कमाल की चीज़ है। तो रिसीव मैसेज को हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, सेटिंग मैंने बता दी, ऑटो रिप्लाई रूल्स, ऑटो रिप्लाई और सेंड कैंपेन, फिलहाल सेंड कैंपेन बता रहा हूँ, फिर ऑटो रिप्लाई और ऑटो रिप्लाई रूल्स बताऊँगा, बहुत काम की चीज़ है। सेंड कैंपेन देखो आज के टुडे, ये देखो इन लोगों पे सेंड गया, फेल हो जाता तो फेल बताता, बिल्कुल बताएगा फेल, क्यों बताएगा अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं होगा। अब एक नंबर व्हाट्सएप पे अगर जिससे चैट किए हुए है तो वो भी सेंड होगा ना, क्योंकि वो फिलहाल उस पहले तो चैट किए हुए हो, तो जो नंबर पे सेंड नहीं होगा वो फेल कर देगा। तो सेंड में हम देख सकते हैं कब मैसेज गया कब नहीं, फिलहाल मैं आज ही बता रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो ये किसी बार दो गया, किसी पे एक गया, ठीक है ना, क्या गया वो भी गया, कंप्लीट चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये हो गया सेंड कैंपेन, फाइनली ऑटो रिप्लाई। देखो ऑटो रिप्लाई है जब हमारे पास कोई मैसेज करता है उसको सिर्फ एक बार मैसेज जाना, जो कि बिजनेस टूल में ग्रीटिंग्स का एक मैसेज है, मतलब ग्रीटिंग्स करके एक ऑप्शन है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि एक बार हमें मैसेज वो हाय हेलो भेजता है, वो शायद 14 दिन के गैप में भेजता है, मुझे उस चीज़ का ध्यान नहीं है, लेकिन ऑटो रिप्लाई यही है, एक बार लाइफ में एक बार उसको वापस से मैसेज भेजेगा। मान लो आपने उसको बंदे को हाय मैसेज भेजे, 3-4 लोग हैं उनको हाय मैसेज आपने भेजे, और हाय मैसेज भेजने के बाद उनका रिप्लाई आया कौन, है ना। अब कौन पे आप कुछ भी मैसेज अगर वो करें, कौन तो कौन के लिए तो मैं बताऊँगा, कुछ भी मैसेज वो करेगा, कौन है भाई, कौन, कैसे, हु, कुछ भी करे, तो उस पर एक बार रिप्लाई ज़रूर देगा कि वी आर सोनियल सेल्स, जो भी है, जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, वो लिख सकता है। प्लस ये ऑप्शन तो व्हाट्सएप में डायरेक्टली मिल जाता है, ये इसको खास नहीं बनाता, खास बनाता है अटैचमेंट। फर्स्ट टाइम पे ही हम उसको इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, और मेन चीज़ ये है इसमें अगर मैं कोई लिंक डाल दूँ ना तो वो भी जाएगा, क्योंकि लिंक भी एक लिंक एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल कैसे बताऊँगा मैं तुमको, हाँ मैं अपने उसकी फ़ोन की चैट कोशिश करूँगा दिखाने की, है ना, या खुद से देख सकते हो यूज़ करके। जब हम किसी के हमारे पास कोई हाय भेजेगा और फिर हम उसको कुछ मैसेज भेजेंगे, है ना, तो वो एक्टिव हो जाएगा, और वापस फिर उसी टाइम पे अगर कोई लिंक आएगा ना तो हमें वो दिखेगा, विजिबल होगा। तो ऑटो रिप्लाई लिंक शो करने के लिए भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, वापस से दिखा देता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ, कुछ भी हो ये इमेज जाएगी, है ना, जैसे ये कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, दूसरी करेंगे, 3 ऑप्शन, डॉक्यूमेंट रूम, ये ले लो, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देना, इस नंबर से मैं करूँगा मैसेज, ये यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, इससे आएगा मैसेज 8171 वाले से। फिलहाल मैं इस ग्रुप को कर रहा हूँ एग्ज़िट, क्योंकि मुझे उसको नहीं रखना, एग्ज़िट ग्रुप, यस, डिलीट, यस, ठीक है, क्या बोलते हैं ये, अब आओ इधर ध्यान से देखो, हाय, देखो हाय किया, एक बार इमेज गई इसको, ठीक है, एक बार गई, फिर से हाय करता हूँ, ध्यान से देखना, अब नहीं दिखेगा, अब हाय, अब इमेज नहीं भेजेगा, एक ही बार था, एक ही बार, अब इमेज नहीं जाएगी, है ना। अब देखो ये वन टाइम के लिए होता है, क्या ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई वन टाइम के लिए बना है, ठीक है। अब जो काम की चीज़ है वो है ऑटो रिप्लाई रूल्स, कंडीशनल बेस ऑटो रिप्लाई। एक चैट बोट, एक अच्छा चैट बोट बना सकते हो, एआई वाला तो नहीं बना पाओगे, एआई वाला भी वैसे इसमें सॉफ्टवेयर है लेकिन वो महंगा पड़ता है, लेकिन क्या बोलते हैं, अच्छा यही है, नॉर्मल चीज़ों के लिए बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी है रेस्टोरेंट की दुकान, और रेस्टोरेंट पर क्या आता है, लोग पूछते हैं भाई मेन्यू दे दो, मेन्यू,
तो ये रूल का नाम है हमारा मेन्यू, ठीक है, या मेन्यू वाला बोलूँगा क्योंकि ये रूल का नाम है, ये जो भी आपको रखना है याद रखने के लिए नाम दिया है। बाकी इक्वल टू का मतलब है यहाँ पे एग्जैक्ट वो होना चाहिए किसी, या अगर मैं यहाँ मेन्यू लिखूँगा तो ये कोई भी एम ई एन यू लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा, और एम भी छोटा ई भी छोटा जैसा लिखा हुआ है एज इट इज लिखेगा तभी ये मैसेज भेजेगा नीचे वाला, ठीक है। अगर कंटेंस करूँगा तो भाई कोई लिख दे कैपिटल में एम ई एन यू, कैपिटल में क्या लिख दे एम ई एन यू, ये लिख सकता है एम ई एन, सॉरी क्या लिख सकता है एम ई एन, ऐसे लिख दे तब भी उसको रिप्लाई भेजे, कंटेंस का ये मतलब है। और प्लस ये भी लिख देना मेन्यू भेज भाई, भेजो मेन्यू भेजो भाई, मेन्यू भेज, मतलब वो वर्ड उसमें एग्जैक्ट आना चाहिए लाइन में, वो कंटेन करनी चाहिए लाइन, क्या ये वाला मेन्यू, मतलब जो भी वर्ड है यहाँ पे वो, तो ये रिप्लाई जाएगा। तो फिलहाल मैं मैसेज ना डाल के इसमें ये चलो डाल देता हूँ, हेयर इज आर, हेयर इज आर मेन्यू चेक आउट, चेक दिस, ये देखो ठीक है, चेक दिस। और मेन्यू किसमें अटैचमेंट में जाएगा, ऐड मेन्यू के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक मेन्यू में क्या लगा दूँ, कोई बात नहीं, मेन्यू में चलो ये लगा देते हैं, किसका ये, चलो ये लगा देते हैं चीज कैप्शन जो भी है ना, ये लगा देते हैं, ये अनेबल रूल, ओके। अब ये देखो रूल है ओके, अब यहाँ पे देखना हैंड टू हैंड लाइव दिखाऊंगा। अब ये इसको छोटा करेंगे थोड़ा अच्छा लगता है, साइड में पता भी चलेगा ना रिसीव में, है ना, ये ट्रू है, ये इससे ऑन हो रहता है, देखो ये जो है ना ये ऑन है फिलहाल, ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये ऑन रहना चाहिए रिप्लाई रूल्स के लिए। मैं दूसरी चैट पे जा रहा हूँ साइड पर क्लिक करके, अब 81 वाले नंबर से मैसेज करूँगा, ध्यान से देखो भाई, भाई मेन्यू भेज दो, मैं लिखूँगा भाई मेन्यू भेज दो, ठीक है ना, मैं ये लिखा डॉट 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 ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखूँगा ना उसमें, तब भी ये देखो भाई मेन्यू भेज दो, ये देखो इसने ऑटोमेटिक भेज दिया तुरंत, हेयर इज आर मेन्यू, ये लो हेयर इज आर मेन्यू, अब मेन्यू जो भी हो इमेज में करो उसको फ़ोटो खींच के मेन्यू को। अब यही चीज़ में अगर वो पूछ ले फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब प्राइस है ना, कुछ मान लो आपके तीन चार चीज़ें हैं प्राइस पूछे, तो तुम प्राइस लिस्ट दे सकते हो, बोले कंप्लीट प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट भेजो भाई, तो पूरी प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिक जाएगी। वो बोले बंदा अगला बोले कैटलॉग भेजो भाई, कैटलॉग पे लगा सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आप। अब मान लो थोड़ा बहुत चेंजेस क्या हो सकता है ऑटो रिप्लाई रूल्स फिर से, अब कोई मेन्यू को मेन्यू भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस तो हो सकता है ना कंटेंट, तो अगर मेन्यू भी बोलेगा ना मेन्यू भेजो, स्पेलिंग एक आधी मिस्टेक है ना, तो वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, जब दो चार लोग आपको भेजेंगे ना मैसेज तभी वो पता चलता है कि बंदा क्या क्या लिख सकता है, अगला क्या क्या सोच सकता है ना, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो सेम मैसेज लिखो, नहीं भी लिखोगे तो खाली इमेज लगा के अनेबल रूल करके ओके कर दो, तो वो अनेबल हो जाएगा है ना। फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, और हाँ डिलीट से पहले अगर इसी को मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई रूल कर सकते हो, मॉडिफाई रूल यहाँ पे कुछ चेंजेस जो करने हैं करके ओके, जैसे ये मॉडिफाई करना है इसको, ये मॉडिफाई यहाँ के लिए नहीं है, इसको तो डिलीट करो और ऐड दूसरा कुछ ऐड कर दो है ना, अभी तो कैंसिल किया इसलिए रहेगा। फिलहाल मैं इस वाले को डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को भेजते हैं हाय, और बंदा हमें पूछता है क्या कौन हो भाई, तो कौन कंटेंट्स मेरे को काफ़ी पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, तो अगर कोई लिखता है कौन, अब देखो इसमें क्या है, कुछ लोग कौन लिखते हैं, बहुत से लोग के ए यू एन लिखते हैं, सही में तो के ए यू एन असली होता है,
ओरिजिनल होता, लेकिन कौन फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, और इसमें लिख दूँ वी आर सोनियल डॉट इन, ठीक है, लाइक दिस, कंट्रोल सी, अनेबल रूल करूँगा, ओके करूँगा, और एक और रूल ऐड कर दूँगा के ए यू एन के लिए, ये कौन के लिए है कीवर्ड, वो के ए यू एन के लिए कर दूँगा, और उसमें थोड़ा चेंज कर दूँगा यार सोनियल सेल्स, और नीचे ब्रैकेट में डाल दूँ सोनियल डॉट इन डॉट कॉम जो भी है ना, तो यहाँ पे ये हो गया कीवर्ड, क्या होगा कंटेंट टाइप, और यहाँ पे के ए यू एन कौन वाला, वाला लिखो वालो लिखो जो भी आपकी है वो, ये सिर्फ नाम है, रूल का नाम है, उससे कोई मतलब नहीं है। अनेबल करेंगे और ओके करेंगे, देखो दोनों रूल अनेबल। अब देखो कमाल, अब जैसे मान लो इस नंबर पे गया था हाय, ये न्यू नंबर है और इस पे गया फर्स्ट टाइम हाय, है ना। अब मैं भी देखा यार ये कौन नंबर है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा भाई कौन, है ना, तुरंत ऑटोमेटिक वी आर सोनियल डॉट इन। बंदे को मेन बात ये है ना, उसको लिंक भी विजिबल होगा, अगर किसी को भी लिंक दिखाना है तो डायरेक्ट लिंक, फर्स्ट टाइम पे लिंक नहीं दिखेगा। अगर मान लो मैं फर्स्ट टाइम पे उसको सोनियल डॉट इन लिख के भेजूंगा तो वो एज अ टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन रिप्लाई में अगर जाएगा एक दो बार बंदे ने मैसेज किया फिर तुमने किया फिर वो लिंक विजिबल हो जाएगा। और लिखे भाई जी कौन है, कौन है, देखो कौन है, शायद मैं इसको देख रहा हूँ ऐसा क्या के ए यू एन ही है, शायद एक आधी बार कुछ कर सकता है लेकिन के ए यू एन ही है, अनेबल ही है। मुझे थोड़ा साइड आना पड़ेगा क्योंकि वो तुरंत मैसेज भेजने से पहले रीड कर लेता है ना, कौन कौन है बे, कोई लिख सकता है कौन है बे, ऑटोमेटिक जाएगा उसको, तो देखो गया। ये इस पर मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि ये चैट मैंने ओपन की हुई थी, ये रीज़न था, साइड में रहूँगा तो ही वो रीड करेगा। तो अगर कभी भी कुछ ऐसा करना है तो क्या करो, किसी अलग अलग वाली चैट पे जा करके उसको छोड़ दो, बाकी पे वो अपने आप रिप्लाई करता रहेगा। तो ये रूल्स बड़े काम के हैं, बड़े काम के। कोई अगर लिखे प्राइस, उसको प्राइस लिस्ट भेज दो, तो हर बिजनेस में सोच सकते हो। अब देखो तुम्हारे सोचने में फ़र्क होता है, स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले ये लिख सकते हैं कि जैसे देखो आज 11 फरवरी है, तो उनको अगर हम बोल दें कि 11 फेब लिखो, है ना, हम अलग अलग रूल बना दें कि अगर कोई छुट्टी है ना 11 फेब को हमारा कुछ है 11 फेब, है ना, तो इसमें अगर हम ये लिख दें 11 फेब, है ना, और इसमें लिख दें हम 11 फेब को 12 बजे छुट्टी होगी, है ना, बजे, चलो हिंदी में लिख देता हूँ मर्जी हो, है ना, छुट्टी हो जाएगी। ये सोचने पे कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा। तो 11 फरवरी 11 फेब 2023 को 12 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, यानी बल ओके। अब देखो यहाँ पे अब दूसरे चैट में आते हैं। अब मैं रिकमेंड करूँगा जो चैट पे डिलीवर नहीं हो रहा उसको सेलेक्ट करके छोड़ दो, मतलब बाकी चैट सेफ है। अब जैसे कोई लिखे अनेबल किया था मैंने, एक सेकंड साइड में करते हैं इसको, हाँ ट्रू है, देखो यहाँ पे दिख जाता है स्टेटस अनेबल है ट्रू। चलो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से लिख रहा हूँ, अब बच्चा पूछ सकता है ना, सर जी 11 फरवरी को खुलेगा, मैं स्कूल खुलेगा, ये देखो क्या लिखा सर जी 11 फरवरी को स्कूल खुलेगा, देखो ऑटोमेटिक सेम मैच हुआ 11 फेब, क्योंकि फरवरी लिखे फुल लिखे, ये तरीका सिखा दो कि आपको अगर डेट और बीच में स्पेस और तीन कैरेक्टर मैच हो जाए, छोटा कीवर्ड रखो मैच होते ही, देखो सर जी 11 फरवरी को स्कूल खुलेगा, 11 फरवरी 2023 को 12 बजे
तक छुट्टी हो जाएगी। स्कूल में भी यूज़ हो सकता है, हर जगह यूज़ हो सकता है। यूज़ कराने वाला और यूज़ करने वाला होना चाहिए और सोचने वाला। तो कमाल की चीज़, ऑटो रिप्लाई बेस्ट है। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, हेल्प में इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अब देखो एडिट, ये नंबर लिस्ट क्लियर करने के लिए, ये मैसेज क्लियर करने के लिए, ये लोग क्लियर करने के लिए, अंदर जो सेंड वाले होते हैं वो चीज़ें, ये यहाँ पे इसको क्लियर करना है, ये क्लियर कर सकते हो। इसको अगर ऑफ़ कर दोगे तो रिसीव मैसेज नहीं पड़ेगा, है ना। तो फाइल में एक एक चीज़ और है, अगर बाई चांस कहीं पर भी इशू कर रहा है, कुछ भी मैसेज में इशू आ रहा है, तो रीसेट एप्लीकेशन, रीसेट एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर कुछ भी जैसे ये ओपन नहीं हो रहा है, नॉट रेडी दिखा रहा है, लॉग आउट नहीं हो पा रहा है, तो सबसे अच्छा फाइल ऑप्शन में जाकर रीसेट कर दो, तो वो हो जाएगा। ये ऑप्शन मैं लास्ट में दिखाऊंगा करते हुए, फिलहाल एक टूल पे चलते हैं। देखो सेटिंग हमारा लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हो गई, फिल्टर भी हो गया ग्रुप वगैरह पर, लास्ट बचा है अकाउंट एंगेजर। बड़े कमाल की चीज़ है, दिखाता हूँ। ये एक अलग से ही एक मिनी जो है ना, मिनी सॉफ्टवेयर, इसी के अंदर आया है एड ऑन। ओके, अकाउंट एंगेजर क्या करता है, अगर आपका नंबर बैन हो रहा है बार बार, है ना, बार बार बैन होता है, ज़्यादा बैन होता है, और बैन का मतलब इन द सेंस ज़्यादा बैन नहीं, मतलब मैसेज भेज रहे हो और बीच में मैसेज चलते रहेंगे आपस में, उनको हीट अप करेगा, वार्म अप करेगा, दौड़ लगाने से पहले वार्म अप जैसे करते हैं ना, उस टाइप से। तो एंगेजमेंट यहाँ पे दिखाता है, व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे दिखाता है, देखो मैंने कितने सारे कनेक्ट किए हुए, फ़िलहाल ये डिसकनेक्टेड होंगे वैसे मेरे हिसाब से, और यहाँ पे मैसेज अपलोड करने पड़ते हैं। तो फिलहाल क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा करना होगा, है ना, ये शायद बड़ा नहीं हो सकता क्या, ये इतना सा कैसे हो गया, अकाउंट एंगेजर, वो ये मल्टीपल व्हाट्सएप्स हैं, देखो सारी व्हाट्सएप खुलेंगी, है ना, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ये सारी व्हाट्सएप्स हैं, ये अकाउंट ऐड करके लॉगिन करना होता है, अकाउंट नंबर लिखेंगे जैसे अकाउंट नेम, तो वो ऐड करनी होती है। फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ सभी को, अच्छा रहेगा, ये सारे नंबर मैं थोड़ा सीरीज में लिखाऊँ, ठीक है, ऐड अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 8171 वाला, है ना, ओके, ये एक पेज खोल के दे देगा, क्या कर रहा है, फिर से कर रहा है, ये क्या है, कोई बात नहीं, वैसे वो होगा नहीं, उसको डिलीट कर देंगे हम। इसके लिए हाँ एंगेजर तभी बताओ, वैसे एंगेजर का काफ़ी अच्छा यूज़ है, लेकिन एंगेजर तभी बताओ जब अगले बंदे का जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला दिखा रहा हूँ, टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी स्लो सिस्टम है, मतलब स्लो इन द सेंस ये i3 भी नहीं है, है ना, नॉर्मल एक वो है तो उसका है, तो उसके लिए अच्छा है जो i7 है जिसके पास, एटलीस्ट i5 है फिफ्थ जनरेशन से ऊपर, है ना, उसके लिए ठीक है, बाकी सबके लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। तो फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ यही था, अगर मैं 4-5 नंबर जैसे मैंने कनेक्ट किए वो आपस में चैट कर रहे होते और मैं मैसेज की उसको लिस्ट दे देता लाइन बाय लाइन, है ना, तो उस चीज़ के लिए था ये। तो देखो मेरा माउस भी लैग करने लगा, क्लोज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, हो जाएगा, काफ़ी पुराने में कनेक्टेड हो गए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसमें वैसे मेनली फंक्शन वही है, अकाउंट एंगेजर को सिर्फ इतना समझो कि वार्म अप करने के लिए, मैसेज भेजने से पहले आपस में वो 5 नंबर हैं किसी बंदे के पास, 4 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, एटलीस्ट 2 नंबर तो होने चाहिए आपस में बात करने के लिए, वो आपस में एंगेज हो जाएंगे, और फिर अगर मैसेज भी भेजोगे ना तो वो आपस में चैट करते हुए नज़र आएंगे। तो बस इतना इसका यूज़ है, इतना ही सीख लोगे, अकाउंट एंगेजर को एक टाइम के लिए छोड़ भी दोगे तो चलेगा। वैसे मैंने भी इसका फंक्शन बता दिया, यूज़ करना अगर होगा तो मैं किसी दिन बता दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही है, वैसे इसमें अब तुम सारी चीज़ें सीख गए,
यहाँ पे ऊपर रेडी का ऑप्शन रेडी होता है, व्हाट्सएप रेडी, और ये देखो जैसे दिक्कत कर रहा है ना, फिलहाल मैं इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी नीचे देखो डेज लिखे रहते हैं। 1 ईयर का लाइसेंस मिलता है, 1 ईयर के लाइसेंस में 365 डेज मिलते हैं। मेजर अपडेट होने पे 30 दिन डिडक्ट होते हैं ऑटोमेटिक लाइसेंस पे। मान लो किसी की विंडो उड़ जाती है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब दोबारा इंस्टॉलेशन मिल जाएगी, लेकिन उसके 30 दिन कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल बंदे के 11 महीने बचे हुए हैं, उसकी विंडो करप्ट हो गई, विंडो करप्ट होने के बाद बंदा क्या कर रहा है, हम पे फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है विंडो करप्ट हो गई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है, तो उस टाइम पे उसको 10 महीने मिल जाएंगे। बस कंडीशन एक है, उसको एक लाइसेंस आईडी हम देंगे, उसको वो पता होनी चाहिए। अगर अपनी लाइसेंस आईडी वो भूल गया तो उसको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी पूरी, और पूरे साल का उसको मिलेगा। तो चलो